हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे एग राइस। ऐसे तो आपने एग बिरयानी बहुत खाई होगी, बट ये एग राइस एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप ये बार बार बनाना चाहेंगे क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्स को बॉईल करके छील लेना है अच्छे से। अब एक पैन में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे और एग्स को फ्राई करेंगे, और फ्राई करते वक्त आपको आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च उसमें डालना है। उसका कलर इससे बहुत ही अच्छा आ जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसे निकाल कर साइड रख लेंगे। अब जो बचा हुआ तेल है उसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। अब सबसे पहले आप इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल लें और चार प्याज को स्लाइस करके अच्छे से उसमें डाल लें, और इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये प्याज सॉफ्ट ना हो जाए, और इसे लगातार चलाते रहें। अब आप देखिएगा 5 मिनट के बाद ये थोड़े पक गए हैं। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें 4-5 टमाटर कट करके डालिए। अब मसाले में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, और अदरक लहसुन और मिर्च आप इसे कूट के डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और नमक और पानी डाल के इसे अच्छे से भूनें। मसाला हमें अच्छे से भूनना है, तभी तो ग्रेवी का टेस्ट सबसे अच्छा आता है। तो चलिए इसे थोड़ा ढक देते हैं, और ढक के इसे 2-4 मिनट तक ढके रहने दीजिए। अब उसे हटाएंगे, ढक्कन हटा के देखिएगा कि तो आप प्याज और टमाटर थोड़े गल चुके हैं। अब इसे थोड़ा अच्छे से चलाएंगे, भून लेंगे। अब इस वक्त में हम इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे। दही ऑप्शनल है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन दही डालते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपका फ्लेम जो है वो कम होना चाहिए, अदरवाइज़ दही जो होती है वो फट जाती है। अब दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब वक्त है इसमें थोड़ा सा शाही बिरयानी मसाला मिलाने का, इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम एग्स की लेयरिंग कर लेंगे। एग्स को बेस में एक बराबर में बैठा लेंगे। अब इसमें राइस डालेंगे। आपने जितना भी चावल लिया है उसका डबल आपको उसका पानी डालना है। तो मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो मैंने 4 कप पानी डाला है। अब थोड़े से दूध में केसर के धागे को भिगो के उसमें डाल दें, और इसे ढक के कम 15 मिनट तक पकने दें। अब देखेंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है, और एक एक दाने इसके अलग हो जाएंगे। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ, ग्रेवी के साथ, और ये बनाने में और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो ऐसी मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल।